खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल टिडवा चिलौला लखीमपुर रोड सीतापुर, स्टडी वेल पब्लिक स्कूल सीतापुर, सह प्रायोजक सहगल साड़ी भंडार, मेन मार्केट गांधीनगर लालबाग सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। योगी सरकार के पसदों में दुग्ध विकास मंत्री का दावा, एक साल में छुट्टा जानवरों की समस्या होगी खत्म। सीतापुर जिला कारागार पहुंचकर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान से की मुलाकात। जिलाधिकारी ने डिस्ट्रिक्ट महिला हॉस्पिटल का किया औचक निरीक्षण, सीएमएस को दिए जरूरी निर्देश। ब्लॉक कसमंडा के दफ्तर में डीएम को मुआयने में मिली तमाम खामियां, एडीओ पंचायत व एडीओ एजी निलंबित। महमूदाबाद तहसील का डीएम ने किया औचक निरीक्षण, लंबित मामलों की अधिक संख्या देख जताई नाराजगी। गैंगस्टर मुजीब अहमद पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, डुग्गी बजाकर 1,03,00,000 की संपत्ति जब्त। लहरपुर नगर पालिका परिषद कार्यालय में हुई बोर्ड बैठक, 20,04,55,000 का बजट पेश। शिक्षक एमएलसी ने सीतापुर के यूपी बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन केंद्रों पर पहुंचकर शिक्षकों की सुनी समस्याएं। योगी सरकार के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने दावा किया है कि साल में छुट्टा जानवरों की समस्या का पूरी तरह से निराकरण कर दिया जाएगा। साल भर बाद छुट्टा मवेशी न खेतों में दिखेंगे और न ही सड़कों पर। बाराबंकी में कैबिनेट मंत्री ने यह दावा किया है। उन्होंने बताया कि पहली बार गायों के लिए यूपी में एम्बुलेंस सेवा लागू की जा रही है। 1962 डायल करने पर 1 घंटे के अंदर पशु चिकित्सा विभाग की टीम गोवंश का इलाज करने पहुंच जाएगी। मंत्री ने कहा कि सरकार की योजना प्रदेश में गो अभ्यारण बनाने की है। हर ब्लॉक में गौशालाएं बनेंगी, इनके संचालन के लिए लोगों से दान लिया जाएगा। दूध के साथ गोबर व मूत्र से आय की जाएगी, जिसका उपयोग गौशाला में विकास के लिए किया जाएगा। सीतापुर जिला कारागार इन दिनों सुर्खियों में है। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान सीतापुर जिला में पिछले 2 साल से बंद हैं और इस समय आजम से मुलाकात का दौर तेजी से चल रहा है। प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव व सपा विधायक रविदास मल्होत्रा के बाद सोमवार को कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम सीतापुर जिला कारागार आजम खां से मुलाकात करने पहुंचे। मुलाकात के बाद प्रमोद कृष्णम ने कहा कि आजम खां पर बहुत ज्यादती हुई। आजम खां ने मुलाकात के दौरान उनको खजूर खिलाया। प्रमोद कृष्णम ने आजम खां को गीता भेंट की। आजम खां ने सपा नेताओं से मिलने से इनकार कर दिया, जबकि प्रमोद कृष्णम से मुलाकात की। इसे लेकर भी सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने सोमवार को जिला महिला चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं परखी। उन्होंने ओपीडी के साथ विभिन्न वार्डों, सैंपल कलेक्शन सेंटर, वन स्टॉप सेंटर, महिला भर्ती वार्ड, सिजेरियन वार्ड, संपूर्ण क्लिनिक आदि का निरीक्षण किया। उन्होंने डॉक्टरों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति की समीक्षा के साथ मरीजों के पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा भी की। डीएम ने चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के साथ समुचित उपचार उपलब्ध कराए जाने के निर्देश सीएमएस डॉक्टर सुषमा कर्णवाल को दिए। वन स्टॉप सेंटर में तैनात महिला कांस्टेबल मोनू देवी के उचित ड्रेस पर न होने पर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने काउंसलर नीतू यादव से महिलाओं बालिकाओं को उपलब्ध कराई जा रही काउंसलिंग की सुविधा के विषय में भी जानकारी ली।
जिलाधिकारी अनु सिंह और सीडीओ अक्षत वर्मा ने सोमवार को ब्लॉक कसमंडा कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। परिसर में गंदगी व्यवस्थाएं देख खफा डीएम ने बीडीओ अवध प्रताप सिंह को जमकर फटकार लगाई। कार्यों में लापरवाही पर एडीओ एजी रामवीर सारस्वत के निलंबन के आदेश दिए हैं। एडीओ पंचायत बलराम यादव की उम्र अधिक न कोई दस्तावेज दिखा पाने पर निलंबन, वेतन रोकने व समिति बनाकर सेवा समिति की कार्रवाई के आदेश दिए हैं। डीएम ने तेवर देख सचिव अपने अपने काट डीएम के तेवर देख सचिव अपने अपने कक्षों में ताला डालकर रफू चक्कर हो गए। लगभग एक घंटे तक डीएम ना ब्लॉक कार्यालय के सभी कक्षों, दस्तावेजों तथा परिसर में सफाई की बारीकी से निरीक्षण किया। शहर के बहुगुड़ा चौराहे पर स्थित हेमवती नंदन बहुगुड़ा की प्रतिमा पर उनकी 103वीं जयंती के अवसर पर कारागर राज्यमंत्री सुरेश राही ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान राज्यमंत्री ने कहा कि हिमालय पुत्र नाम से सुख्यात रहे स्वतंत्रता सेनानी पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुड़ा वास्तव में महामानव थे। वह राजनीति से हटकर सभी दलों के नेताओं का सम्मान करते थे। स्वर्गीय बहुगुड़ा मेरे पिता एवं पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वर्गीय रामलाल राही के राजनीतिक गुरु थे। पिताजी हमेशा कहा करते थे कि राजनीति में जो कुछ मैंने ऊंचाइयों को प्राप्त किया है उसके पीछे बहुगुड़ा का विशेष मार्गदर्शन रहा है। इस मौके पर पूर्व विधायक रमेश राही, प्रेमानंद दीक्षित, अजय गुप्ता, रमाकांत मिश्रा, विश्राम सागर राठौर, संजय मिश्रा, पूनम मिश्रा, रामदयाल अवस्थी, योगेंद्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक आदि मौजूद रहे। परसेंडी विकास क्षेत्र में स्कूल चलो रैली के समापन अवसर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय मूसेपुर में बीएसए सीतापुर अजीत कुमार ने कहा कि शारदा सर्वे के माध्यम से 30 अप्रैल तक 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का चिन्हांकन कर उन्हें उनकी आयु के अनुसार कक्षा में अनिवार्य प्रवेश दिया जाना है। प्रधानाध्यापक अपने सेवित क्षेत्र में टीम बनाकर यह कार्य समय से पूर्ण कर ले तभी स्कूल चलो अभियान सही मायने में सफल होगा। इस मौके पर जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता प्रमोद गुप्ता, बीईओ उमेश गौतम, प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री खुस्तर रहमान खां, प्रधानाध्यापक चंद्रमोहन शुक्ला, नवीन श्रीवास्तव, मोहम्मद हारून प्रधान, प्रेम चंद्र अध्यक्ष, एसएमसी प्रताप सिंह, निरंजन आदि मौजूद रहे। कमलापुर कस्बे में बैटरी व्यापारी गौतम यज्ञ सैनी के यहाँ शादी समारोह में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने पहुंचकर बधाई दी। राजमंत्री और गौतम की मित्रता पुरानी है, काफी समय तक इनके व्यापारिक रिश्ते भी रहे हैं। राजमंत्री बनने के बाद भी छोटे स्तर के व्यापारी व पुराने मित्र के घर समारोह में पहुंचने को लेकर काफी चर्चा रही। इस कार्यक्रम में अनुराग जायसवाल, उमंग जायसवाल, मनोज गुप्ता, मुकेश गुप्ता, राकेश गुप्ता, श्रीकृष गुप्ता, अशोक चौधरी आदि मौजूद रहे। शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी ने सीतापुर के यूपी बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन केंद्रों आरएमपी इंटर कॉलेज, हिंदू कन्या इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज और म्युनिसिपल इंटर कॉलेज में मूल्यांकन कर रहे शिक्षकों से मुलाकात कर समस्याएं सुनी। विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर पंखा, सफाई व पानी की समुचित व्यवस्था रखने के संबंध में केंद्र अधीक्षकों से बात की। शिक्षकों द्वारा उठाए गए पुरानी पेंशन वित्तविहीन शिक्षकों को मूल्यांकन व प्रयोगात्मक परीक्षा में परीक्षक न बनाए जाने सहित तमाम मुद्दे अगली प्रस्तावित बैठक में रखने का आश्वासन दिया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष पंकज पांडे, महासचिव बेचेलाल भार्गव, उपाध्यक्ष केपी वाजपेयी, प्रदेश संगठन मंत्री दिनेश सिंह, प्रधानाचार्य महासभा अध्यक्ष एसपी सिंह, महासचिव दुर्गेश श्रीवास्तव, प्रबंधक महासभा अध्यक्ष प्रताप नारायण तिवारी, महासचिव संजय अवस्थी, अरुण वाजपेयी आदि मौजूद रहे। जिलाधिकारी अनु सिंह ने सोमवार को महमूदाबाद तहसील का निरीक्षण किया। तहसील कोर्ट में वर्षों से लंबित मामलों पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। इसके बाद एसडीएम कोर्ट में गए जहां उन्होंने पत्रावलियों वादों का निरीक्षण किया और एसडीएम दिव्या ओझा को निर्देश जारी किए। डीएम ने स्वान केंद्र में पहुंचकर आय जाति निवास के लंबित प्रकरणों की जानकारी ली। खतौनी कक्ष, राजस्व निरीक्षक कक्ष, अभिलेखागार में जाकर सफाई व्यवस्था और पत्रावलियों का अवलोकन किया। डीएम ने राजस्व संग्रह अनुभाग में पहुंचकर सभी आरसी को ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि रिकॉर्ड आदि में कुछ कमियां मिली हैं जिनमें सुधार के निर्देश दिए गए हैं। लगातार एक महीने से महमूदाबाद में जारी अधिवक्ता एसडीएम विवाद का सोमवार को भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। डीएम अनुज सिंह की मौजूदगी के बाद भी दोनों पक्षों से
कोई बातचीत नहीं बनी। अधिवक्ता ने डीएम से मिलकर समस्या बताई थी। सोमवार को डीएम बार बेंच के माध्यम सामंजस्य बनाने पहुंचे थे, किंतु इस विवाद का कोई हल नहीं निकला। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने 30 अप्रैल तक कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दी। वहीं डीएम ने मीडिया को बताया कि दोनों पक्षों के बीच सकारात्मक माहौल में वार्ता हुई है, दोनों पक्षों की तरफ से सहयोग का आश्वासन दिया गया है। जबकि एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार पटेल ने बताया कि डीएम ने बार बेंच के विवाद पर कोई बात नहीं की। डीएम ने बार बेंच के विवाद पर अधिवक्ता 25 से 30 अप्रैल तक कार्य बहिष्कार करेंगे। अन्नपूर्णा साहित्य संगम के पूर्व अध्यक्ष इंजीनियर गोपाल सागर की प्रथम पूर्व तिथि पर श्रद्धांजलि सभा व काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। शहर के जेल रोड स्थित सरस्वती संगीत महाविद्यालय के सभागार में अन्नपूर्णा साहित्य संगम परिवार व कवियों तथा शायरों ने स्वर्गीय सागर के चित्र पर पुष्प माला चढ़ाकर तथा दीप जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तत्पुरांत काव्य गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ शायर महफूज रहमानी तथा संचालन राम किशोर श्रीवास्तव ने किया। जीएल गांधी की वाणी वंदना से आरंभ हुई काव्य गोष्ठी में कवियों व शायरों ने कविताओं के माध्यम से सागर का शब्द सुमन अर्पित किए। इस मौके पर संस्थान अध्यक्ष नवीन द्विवेदी तथा अभय श्रीवास्तव, यासीन इब्ने उमर, केपी मिश्रा, राम किशोर श्रीवास्तव, नफीस सीतापुरी, कन्हैयालाल शुक्ला आदि मौजूद रहे। कमलापुर थाना क्षेत्र के सीतासोई के मजरा जगन्नाथपुर में राकेश पुत्र धैले के घर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। पीड़ित राकेश ने बताया कि आग से 3 बकरियां जल गई, जिनमें 2 की मृत्यु मौके पर ही हो गई। घर में रखे 5 कुंतल गेहूं, कपड़ा, बर्तन, 10,000 रुपए की नकदी व जेवर आदि लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में आयोजित सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार में नैमिषारण्य पहुंचकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक व उनकी धर्मपत्नी नम्रता पाठक ब्रह्मचारियों को आशीर्वाद प्रदान करेंगी। कार्यक्रम में राज्य मंत्री सुधाकर त्रिपाठी, विधायक बक्सी का तालाब योगेश शुक्ला, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी और महोली विधायक शशांक त्रिवेदी भी बतौर अतिथि पहुंचेंगे। राष्ट्रीय महामंत्री अनिल मिश्रा ने बताया कि सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार परशुराम जन्मोत्सव पर 3 मई को नैमिषारण्य चक्रतीर्थ के समीप संपन्न होगा। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष राम प्रसाद अवस्थी, संरक्षक त्रिभुवन नाथ शुक्ला, प्रांतीय अध्यक्ष सुरेंद्र अग्निहोत्री, भानु चतुर्वेदी, श्याम बाबू दीक्षित, जयप्रकाश दीक्षित आदि मौजूद रहेंगे। सामूहिक संस्कार के लिए अब तक करीब 0.5 सैकड़ा पंजीकरण हो चुके हैं। शिव मंदिर निर्माण पर ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के ग्राम शिवपुरी से हरिया धाम के लिए शिव बारात निकाली गई। बारात में श्रद्धालु गाजे बाजे के साथ शामिल हुए। इससे पूर्व आचार्य रोहन लाल व कल्याण ने पूजन संपन्न कराया। उक्त मंदिर का निर्माण भारतीय किसान संघ के जिला सहमंत्री ब्रजेश सिंह ने शिवपुरी मजरा पतारा में कराया है। शोभा यात्रा में आशुतोष यादव, भानु प्रताप, ब्रजेश राजू यादव, राजेश यादव, मनोज यादव सहित तमाम महिला व पुरुष श्रद्धालु शामिल थे। सिधौली तहसील क्षेत्र के नीलगांव स्थित प्राचीन शिव मंदिर बूढ़े बाबा का सुंदरीकरण कराया जाएगा। इस संबंध में श्रद्धालुओं ने बैठक कर विचार विमर्श किया गया तो करीब 6 लाख नगद व कई बीघा जमीन दान करने का संकल्प ग्रामीणों ने लिया। व्यवस्थापक सुधीर सिंह ने बताया कि बिना किसी सरकारी मदद के मंदिर व यहाँ स्थित सरोवर का भी सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। बैठक में प्रेमनाथ अवस्थी, कृष्ण बिहारी अवस्थी, राजगुप्ता, शुभम अवस्थी, शिवम अवस्थी, दीनू बाबू, राजू, मुन्ना गुप्ता, मनोज अवस्थी, नीलकमल सिंह, ज्ञान मिश्रा, कमलेश यादव, रमाकांत, राजेंद्र, राकेश गौतम, विजय शुक्ला, बच्चन सिंह, नीरज सिंह, अनुराग सिंह, लालजी यादव, दिलीप निगम आदि मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा।
सीतापुर में स्वच्छता ग्राहियों के परिवार भुखमरी की कगार पर हैं। उन्हें बकाया मानदेय का भुगतान नहीं मिल पा रहा है। स्वच्छता ग्राही इंद्र मोहन शुक्ला ने बताया कि सक्षम अधिकारियों द्वारा अनियमितता बढ़ती जा रही है, घोटाला कर स्वच्छता ग्राहियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। इसे लेकर पूर्व में इको गार्डन लखनऊ में 22 दिनों तक धरना भी दिया गया था। तब मिशन निदेशक लखनऊ ने उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाकर धरना समाप्त करा दिया था, लेकिन स्वच्छता ग्राहियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ब्लॉक पहला के सरैया कादीपुर कस्बे में सोमवार को नेत्र शिविर का आयोजन सीमा नेत्र चिकित्सालय में किया गया। आंख अस्पताल सीतापुर के चिकित्सकों द्वारा एक दिवसीय नेत्र शिविर के दौरान 110 मरीजों को नेत्र का परीक्षण किया गया, जिसमें 50 मोतियाबिंद से ग्रसित रोगियों को अपने वाहन से आंख अस्पताल सीतापुर ऑपरेशन के लिए भेज दिया गया। आयोजन समाज सेवी राहुल रस्तोगी सुहानी ज्वेलर्स एंड बर्तन भंडार सरैया रेलवे स्टेशन द्वारा किया गया। शिविर में आंख अस्पताल सीतापुर के चिकित्सक डॉक्टर दीपेश बघेल, डॉक्टर गरिमा सैनी, डॉक्टर रागनी वर्मा, डॉक्टर मोहित कुमार, डॉक्टर ऋषि सिंह, डॉक्टर अर्पित सिंह, फील्ड ऑर्गेनाइजर सहनवाज अहमद, अवध किशोर शुक्ला, नसीम आदि मौजूद थे। सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के फकरपुर गांव में हाई टेंशन विद्युत लाइन खेतों से होकर निकली हुई है। गर्मी के सीजन में तेज हवा चलने से तार आपस में टकराने के कारण स्पार्किंग होने से टूट जाते हैं। इसी तरह सोमवार को तार टूटकर गन्ने के खेत में गिर गया। खेत में आग लगने से सोनू सिंह व दिलीप सिंह का एक एकड़ गन्ने की पेड़ी जलकर राख हो गई। सूचना देने के बाद विद्युत आपूर्ति बंद कर दी गई। मरम्मत कार्य शुरू कराए जाने की बात संबंधित अधिकारियों ने कही है। रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के गोंडा देवरिया के चमारनपुरवा निवासी राम नरेश के घर अज्ञात कारणों से आग लग गई। हवा तेज होने के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर पड़ोस के चार घरों खुशीराम, सुनील, अशोक, केसन आदि को भी चपेट में ले लिया। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। इस भीषण अग्निकांड में राम नरेश की 15,000 नकदी, एक बकरी, दो साइकिल, गेहूं, जेवरात समेत करीब 2,00,000 का नुकसान हुआ। खुशीराम की 20,000 नकदी समेत लगभग 50,000 का नुकसान हुआ, जबकि अन्य घरों में लगभग 1,00,000 रुपए का सामान जलकर राख हो गया। क्षेत्रीय लेखपाल अखिलेश वर्मा पहुंचकर नुकसान का आकलन किया है। बरई जलालपुर स्थित विद्युत उपकेंद्र में रविवार की देर रात शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते विद्युत ट्रॉली धू धू कर जलने लगी। आग से उपकेंद्र के कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। उपकेंद्र की फायर किट खराब पड़ी है, कोई भी सुरक्षा उपकरण नहीं है। विद्युत कर्मचारियों ने दमकल कर्मियों को सूचना दी, पर मौके पर जब दमकल कर्मी नहीं पहुंचे तो उपकेंद्र कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बालू इत्यादि डालकर आग पर काबू पाया। आग लगने से ठप हुई विद्युत आपूर्ति से करीब 100 गांव की 5,00,000 की आबादी प्रभावित है। SSO सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि सोमवार शाम तक विद्युत आपूर्ति बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। शहर के बर्ड्सगंज निवासी गैंगस्टर मुनीज मुजीब अहमद पुत्र सैफू उर्फ इकबाल अहमद की सीतापुर पुलिस ने 1,03,00,000 कीमत की संपत्ति जब्त कर ली। ASP दक्षिणी NP सिंह ने बताया मुजीब व उसके करीबियों के नाम या जमीनें कार्टरगंज में थी। आज डुग्गी मुनादी कराकर जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। यह सारी संपत्ति आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गई थी। ब्लॉक कसमंडा के प्राथमिक विद्यालय सुल्तानपुर मारूफ में मिशन प्रेरणा के लक्ष्य को हासिल करने के लिए संकुल सरोरा कला के अंतर्गत मासिक शिक्षक संकुल बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानाध्यापिका कंचन अवस्थी ने की। शिक्षकों को शिक्षण कार्य रोचक व लाभप्रद बनाने के लिए TLM द्वारा टिप्स दिए गए। इस मौके पर प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष गिरजेश अवस्थी, सहायक अध्यापक शिल्पी सिंह, संदीप यादव, मथुरा प्रसाद पांडे, ऋषि शुक्ला, संदीप रावत, दर्शिका श्रीवास्तव, पूनम शुक्ला, पल्लवी श्रीवास्तव, ज्योति शुक्ला, पुष्पिता, दीपशिखा मिश्रा, विभा हनी शर्मा, आरती आदि मौजूद थी। बिस्वा के सेठ देवेश्वर दयाल मॉन्टेसरी स्कूल में सेठ जय दयाल इंटर कॉलेज व सेठ देवेश्वर दयाल मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ने वाले रोजेदार छात्र व उनके अभिभावकों के लिए रोजा इफ्तार का कार्यक्रम इन दोनों विद्यालय के प्रबंधक व भाजपा नेता महेश चंद मल्होत्रा के संयोजन में किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानाचार्य कैप्टन BL वर्मा, प्रधानाचार्य डॉक्टर सविता मिश्रा, सह प्रबंधक आनंद कुमार खत्री, शकील अहमद, अरशद अली, मकसूद अली, विवेक सिन्हा, GP श्रीवास्तव, रितु मिश्रा,
अजरा खान, सीबा खान, खुशनुमा स्मृति श्रीवास्तव, नीति तिवारी, रामकुमार कश्यप, कपिल वर्मा, मनोज श्रीवास्तव, मोहम्मद आलम आदि मौजूद थे। राज्यस्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में सीतापुर को 2 मेडल मिले हैं। 29वीं यूपी स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप कौसाम्बी और लखनऊ में 21 से 23 अप्रैल को आयोजित की गई। इसमें सीतापुर के 16 खिलाड़ियों ने भी प्रतिभाग किया, जिसमें एथलेटिक्स संघ सीतापुर के सचिव ने बताया कि 800 मीटर तथा 1500 मीटर दौड़ में सीतापुर के अमन कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर जनपद का परचम बुलंद किया है। जिला एथलेटिक्स संघ के पदाधिकारियों विश्ववीर गुप्ता, अनुराग गुप्ता, राज शर्मा, प्रमोद दीक्षित, मुकेश राकेश, लौंगश्री, ऋतु, अवधेश नंदन, अवनीश, रंजीत, धीरेन्द्र, देश दीपक, चंचल, सुमित आदि ने खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करने की बधाई दी है। शिव म्यूजिक डांस इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित सम्मान समारोह का आयोजन बेचू पहलवान मैरिज लान महमूदाबाद में किया गया। आयोजिका इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर लेखा गुप्ता, नगर अध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा द्वारा मुख्य अतिथि विधायक आशा मौर्य, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता, नगर पालिका महमूदाबाद प्रतिनिधि अम्बरीश गुप्ता को माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा प्रशासनिक सेवाओं में बेहतर कार्य करने के लिए पुलिस उपाधीक्षक रवि प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह को स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। समारोह में अभय श्रीवास्तव, हरीश गौड़, श्रद्धा श्रीवास्तव, आरुषि अग्रवाल, यशवी चौरसिया, मुस्कान तिवारी, प्रिया तिवारी, लक्ष्मण मौर्य, अंबर श्रीवास्तव, आराधना यश सिंह, चंद्रभूषण शुक्ला, मोहन प्रसाद बारी आदि मौजूद थे। लहरपुर नगर पालिका परिषद कार्यालय में पालिका अध्यक्ष जासमीर अंसारी की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक का आयोजन 24 सदस्यों की उपस्थिति में किया गया, जिसमें सभी सदस्यों की पिछली बोर्ड बैठक की कार्यवाही को पढ़कर सुनाया गया तथा वित्तीय वर्ष 2022 के बजट पर बोर्ड के समक्ष चर्चा की गई, जिसमें वर्ष 2022-23 के सभी मदों से होने वाले आय अवशेष सहित रुपए 20,58,81,474 से सापेक्ष गए रुपए 20,04,55,000 का अनुमानित बजट पेश किया गया। बोर्ड द्वारा ध्वनिमत से बजट सर्वसम्मत से पास किया गया। इस मौके पर सभासद नसीर खान, वसीम, दिलीप कुमार, बिमलेश, वकील अहमद, सौरभ पुरी, रिजवान, सुनीता, बिमलेश अवस्थी, राजू आदि मौजूद रहे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के तत्वाधान में किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्ति अभियान के क्रम में शाखा लहरपुर के शाखा प्रबंधक के नेतृत्व में शिविर लगाया गया। शाखा प्रबंधक महेंद्र सिंह ने बताया कि किसानों को बैंकिंग की विस्तृत जानकारी दी गई, जिसमें किसानों को क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। 5 किसानों से मौके पर प्रार्थना पत्र लेकर आगे की कार्यवाही बढ़ाई गई। शाखा प्रबंधक ने बताया कि यह अभियान आगामी 1 मई तक चलाया जाएगा। ब्लॉक गुंदलामऊ की ग्राम पंचायत तरसावा में महिला स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत बैठक का आयोजन किया गया। महिला स्वयं सहायता की अध्यक्षता अरुण मौर्या ने समूह की महिलाओं को जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा योजनाओं का लाभ एवं रोजगार के साधन समूह के सदस्यों को उपलब्ध कराए जाएं। सभी सदस्यों के साथ हर महीने 1 बैठक की जाती है। बैठक में आने वाली बचत धन राशि को एकत्रित करके महिला स्वयं सहायता समूह के खाते में डाल दिया जाता है। इस मौके पर माँ सरस्वती सहायता समूह की सचिव कामिनी देवी, कोषा अध्यक्ष पूनम देवी, माँ संतोषी सहायता समूह की अध्यक्ष संतना, सचिव प्रेमा देवी, कोषा अध्यक्ष रिंकी देवी आदि मौजूद थी। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के महासचिव प्रदीप ने बताया कि निजामुद्दीन पुत्र सिद्दीक निवासी सिरौरा थाना इमलिया सुल्तानपुर जनपद सीतापुर हनुमान जी पर अभद्र टिप्पणी की। संज्ञान में आने पर तत्काल साथियों के साथ कोतवाली में प्रार्थना पत्र कार्रवाई के लिए दिया गया। इस मामले में प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही की गई तो राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना सड़कों पर उतर कर आंदोलन करेगी। इस मौके पर जिला अध्यक्ष भगवान शरण तिवारी, जिला अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ विकास शुक्ला, प्रदेश संरक्षक गोपाल टंडन आदि मौजूद रहे हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर, स्टडी वेल पब्लिक स्कूल सीतापुर, सह प्रायोजक सहगल साड़ी भंडार, मेन मार्केट,
गांधीनगर, लालबाग, सीतापुर।